हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं घर के काम में ही लगी हुई हूँ और मैं कर रही थी पोछा लगा रही थी। और उससे पहले जो गेट वेट पर रोज़ धूल जम जाती है ना, डस्टिंग वगैरह जो रोज़ चाहिए घर को, मैं वही कर रही थी, बस डस्टिंग कर रही थी और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो ये है पिछली वीडियो का ही कंटिन्यू पार्ट। तो मैं ना जल्दी उठ गई थी उस दिन, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर रही थी मैं कि दुकान पे जाने से पहले जितना पॉसिबल हो सके मैं सोनी भाभी के लिए काम कम ही छोड़ूं, ताकि उनको कम काम करना पड़े और जल्दी निमट जाए उनका काम। क्योंकि आपको भी पता ही है, परी अभी छोटी है और सारा काम एक अकेला आदमी बहुत ही मुश्किल से कर पाता है, खासकर जब छोटा बच्चा हो, है ना। तो इस वजह से मैं उनका काम निमटवा रही थी और इतने में सोनी भाभी भी उठ गई थी। वो भी और जो भैया है मनीष भैया, वो जा रहे थे दुकान पे दूध लेके, और उसके बाद ना यहाँ पे चाय बन रही थी। तो मतलब चाय एक बार तो पी चुके थे, लेकिन ले जाने के लिए मैं चाय बना रही थी जो दुकान पे मुझे ले जानी थी अपने और मम्मी जी के लिए, क्योंकि आज मम्मी जी को जाना था मेरठ। हमारा कोई काम है LIC वगैरह का चल रहा है, तो उस काम के सिलसिले में उनको मेरठ जाना था। और यहाँ आलू उबाले हुए थे सोनी भाभी ने पहले ही, तो उन्हें भी मैं मैश करके उनके पराठे बनाने जा रही थी, ताकि नाश्ता हम लोग करके जाएँ और उसके बाद दोपहर तक की मतलब खाने पीने की छुट्टी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा नाश्ता बना रही थी अपने लिए। तो यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, धनिया और नमक मिर्च वगैरह डाल के ना इस पिट्ठी तैयार कर ली है, और बस इसके मैं पराठे सेक लूँगी। और मैंने उनको टेस्ट करने के लिए बोला था भाभी को कि टेस्ट करके आप बता दो कि मसाले ठीक हैं कि नहीं, और उसके बाद मैंने पराठे बेलना स्टार्ट कर दिया है। तैयार हो चुकी हूँ, हाँ काम हो चुका है और अब खाना लेकर हम लोग दुकान पे जा रहे हैं। तो यहाँ मैं और मम्मी जी दोनों पहुँच गए थे दुकान पे, और दुकान पे पहुँचते ही मम्मी जी पहले माथे से लगाती हैं धरती माँ को, और इससे क्या कहते हैं कि बरकत आती है, इसलिए हमेशा पुरस्कार के ही जाना चाहिए अपने काम पे। तो उसके बाद ना हम लोग अंदर सामान लगा रहे हैं, जो कि रोज़ का काम होता है उतारना लगाना सामान। और मम्मी जी नीचे का सामान लगा रही थी, मैं जो टांगने वाला सामान होता है ना वो लगा रही थी। और इस तरीके से ही हमारा मतलब आधा घंटा तो कम से कम लग जाता है इस काम में, क्योंकि झाड़ पोछ के लगाना पड़ता है और रोज़ ही काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो बर्तन गैस वगैरह का काम है, आपको पता ही है, बर्तन भी बेचते हैं नए, रिपेयरिंग भी करते हैं, गैस भी हम सिलेंडर बेचते हैं और गैस भरते भी हैं, और मिक्सी वगैरह का काम भी है। मतलब दो चार काम इकट्ठे ही पापा जी ने स्टार्ट करे हुए थे, उसी चीज़ को इन्होंने भी सीख लिया और इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक ही चीज़ में तरक्की नहीं होती है। तो इस वजह से वो ऑलराउंडर थे पापा जी, और वही काम इनको भी सिखा दिया है, और इन्होंने बहुत ही कम टाइम में ये सब काम सीख लिया है। लेकिन अभी इनकी ना तबीयत ख़राब है, इस वजह से ये ज़्यादा देर दुकान पर नहीं बैठ पाते, और दुकान का काम इन्हें ही आता है सारा, हम लोगों को तो बहुत थोड़ा बहुत आता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इनका बैठना ज़रूरी सा हो जाता है। लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप लोगों की दुआएँ भी हैं और दवा इलाज भी बहुत जल्दी काम करेंगे।
तो यहाँ पर सारा सामान लग चुका था और करीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है सारा सामान सेट करने में। और यहाँ पर मम्मी जी झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद हमने पूजा करके ना जो पराठे लाई थी मैं वो हमने खाए हैं, और फिर मम्मी जी गई हैं मेरठ के लिए निकली हैं, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि इतना शूट नहीं कर पाती मैं। फ्रेंड्स मैं आ गई दुकान पर, और दुकान पर आते ही सबसे पहले हमारा काम होता है जो भी बर्तन और सामान होता है वो उन्हें रखना, तो मैंने सब कुछ रख लिया, आपको दिखा देती हूँ। और बाहर बन रही है रोड, तो इस वजह से बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, कई दिन हो गए रोड बनते बनते, और मम्मी जी भी बाहर ही खड़ी हैं बात कर रही हैं। तो ये हमारा रूटीन चल रहा है फिलहाल, घर से दुकान, दुकान से घर, और अब हम लोग साथ में खाना भी ले आए हैं, चाय और पराठे वगैरह, क्योंकि फिर जल्दी से जाना नहीं होता है घर पे, और अभी इनकी तबीयत में इतना कुछ खास सुधार नहीं है फ्रेंड्स। तो बस ये थे आज की वीडियो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगी मैं, तो मेरे चैनल में बने रहिएगा, तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।